तो जो हमारे बच्चे अपने सामर्थ्य के बल पर अधिक से अधिक नंबर लेकर आए हैं, आज वो अपने समाज के द्वारा सम्मानित होंगे, ये स्वस्थ परंपरा है। और हम सम्मानित क्यों कर रहे हैं, इसमें हमारा बहुत बड़ा स्वार्थ है। स्वार्थ क्या है, हर एक व्यक्ति का ये सपना होता है तेरी विरासत तेरे जाने के बाद विलुप्त ना हो जाए। तो हम भी चाहते हैं कि ये वर्तमान भारतवर्ष में जो हमारा समाज है, आगे आने वाला भविष्य बच्चों आपके हाथ में है। अब आप इसे सुरक्षित रखते हैं या इसे बर्बाद रखते हैं, बर्बादी के रास्ते से आपको रोकने के लिए आपको सम्मानित करने का जो काम बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जन्मोत्सव कमेटी ने किया है, वो हर दृष्टि से स्तुत्य है, वो हर एक दृष्टि से सराहनीय है। मगर एक बात याद रखना, ये जो आज का कार्यक्रम है बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर की 122वीं जयंती के उपलक्ष्य में किया जा रहा है। उसका मतलब क्या हुआ, उसका मतलब ये हुआ कि बाबा साहब से भी कोई ना कोई सीख लेनी है। बाबा साहब की एक सीख याद रखना, उन्होंने कहा था, बाबा साहब ने कहा था कि बच्चों चरित्रवान बनो और विद्वान बनो। ये बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर का बहुत बड़ा संदेश है, विद्वान बनो। विद्वान कौन, ये जेब काटने वाला भी विद्वान है, समझते हैं, उसमें भी बड़ी विद्वता चाहिए। आपके सामने आया, आपको नमस्ते की, आपसे हाथ मिलाया, आपका मोबाइल गायब, कितनी बड़ी विद्वता है। आपके घर में आया, आपका ताला सही करने आया और ताला सही करते करते आपको कुछ सुंगा दिया और आपके घर का सारा खजाना लेके गायब, ये तो उसकी अकलमंदी है। तो बाबा साहब कहते हैं कि विद्वान बनो मगर साथ में चरित्रवान बनो। चरित्रवान व्यक्ति वो होता है अपनी जान पर खेलकर किसी को एक पैसे का भी नुकसान नहीं पहुंचाता, वो चरित्रवान होता है। तो बच्चे आप एक याद रखना, बाबा साहब ने जब उन्होंने दूसरी शादी की थी और अपनी पत्नी को एक पत्र लिखा था, उसके पत्र के जवाब में, ये 1948 की बात है, उन्होंने लिखा कि ए शारू, उनका नाम शारदा था, बाबा साहब उसे शॉर्ट में शारू कहते थे, ए शारू तुम गलत मत समझ लेना हमको, हमसे जो ये बड़े बड़े नेता डरते हैं वो इसलिए नहीं डरते कि हमारे पास बहुत सारा डिग्री है, वो इसलिए डरते हैं कि डॉक्टर अम्बेडकर चरित्र इन सब के मुकाबले में हिमालय पर्वत से भी ऊंचा है। तो इसलिए बच्चों विद्वान तो बनना मगर साथ में चरित्रवान भी बनना और देश का हमेशा ध्यान रखना। इस देश में जितनी भी समस्याएं हैं वो सब हमारी बनाई हुई हैं। मैं जब पेरिस गया तो मेरी एक खास बात पर नजर थी, हमारे लोग कहते हैं भाई पेरिस की जो सड़क है वो डिटर्जेंट पाउडर से धोई जाती है। मैं वहाँ गया, पेरिस में जो सबसे प्राइम लोकेशन है, वहाँ जाकर मैंने एक दुकानदार से पूछा, क्योंकि मैं अपनी पेंटिंगें भी वहाँ बेचने के लिए ले गया था, उसी दुकानदार से पूछा, आर्ट गैलरी के मालिक से, क्या इज इट ट्रू दैट यू वॉश योर दिस रोड विद डिटर्जेंट पाउडर। वो बुड्ढा हंसा, बहुत जोर से हंसा, ओ यू थिंक लाइक सो, आप हमारे मुल्क के बारे में ऐसा सोचते हैं, हम अपने यहाँ की सड़कें साबुन से साफ जब करेंगे ना, जब हम इसको गंदा करेंगे। मैंने अपनी आंखों से देखा, सिंगापुर में भी देखा, मैंने हांगकांग में भी देखा, मैंने पेरिस में, इंग्लैंड में, अमेरिका में, सब जगह क्या देखा, वहां प्रकृति प्रदत्त कूड़ा तो मिलेगा, पेड़ का पत्ता तो मिलेगा, धूल उड़ कर आए वो तो मिलेगा, मगर पाउच नहीं मिलेगा, चिप्स की थैली नहीं मिलेगी, माचिस की डिब्बी नहीं मिलेगी, सिगरेट का पैकेट नहीं मिलेगा। इसलिए बच्चों याद रखना, ये सफाई कौन करेगा, हम अगर अपना कूड़ा सड़क पर ना फेंकेंगे तो किसी को सफाई की जरूरत नहीं, ये झाड़ू लगाने का जो ड्रामा करते हैं ना, फिर इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। आज समाज के प्रति आप अधिक से अधिक क्या कर सकते हैं, देश के प्रति आप अधिक से अधिक क्या कर सकते हैं, ये संकल्प आज आपको यहाँ से लेकर के जाना है। बातें तो भैया ऐसी हैं, बात में से बात निकलती जाती है, उसमें होता और कुछ नहीं है, भाषण
लंबा हो जाता है, दाढ़ी से लंबी पूंछ हो जाती है, वो मैं करना नहीं चाहता। मैं आज के आयोजकों के प्रति अपना आभार व्यक्त करता हूं और जितने भी महापुरुषों ने आज के इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने के लिए यहां अपनी शिरकत दी है, मैं उनके प्रति भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। और इस संस्था के प्रति मैं जैसा भी हूँ वैसा हमेशा आपके काम आऊँगा, मगर एक घोषणा जरूर करके जा रहा हूँ। अभी एक कार्यक्रम 7 जुलाई को हुआ था, उसमें हम वो घोषणा नहीं कर पाए थे। घोषणा ये है कि बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर का दिल्ली से बहुत नाता, दिल्ली का रविदास मंदिर बाबा साहब की देन, दिल्ली का हैदर दास की कुटिया बाबा साहब का बड़ा योगदान, दिल्ली का जाटव शिव मंदिर बाबा साहब का बड़ा योगदान, और ये अम्बेडकर भवन जो यहाँ हमारे पड़ोस में है, जो बाबा साहब ने 1943 में अपनी जेब के 4,350 रुपए में 1.5 एकड़ जमीन खरीदी थी और उसका जो बायलाज बनाया था उसमें लिखा था, अभी भी वो डॉक्यूमेंट मौजूद है, उसमें लिखा था इसमें मेरे परिवार का कोई हिस्सा नहीं होगा। तो बाबा साहब का बड़ा नाता है इस दिल्ली से, दिल्ली में वो अंग्रेजों की सरकार में मंत्री रहे, दिल्ली में भारत की स्वतंत्र पहली अठौर मंत्रिमंडल में मंत्री रहे, यहाँ उन्होंने हिंदू कोड बिल का संघर्ष भी लड़ा और यहाँ पर उन्होंने अपना दूसरा विवाह भी किया और इस दिल्ली में ही उन्होंने अपने जीवन की अंतिम सांस भी ली। इसलिए दिल्ली वालों आपको खुश होना चाहिए कि बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर के चित्रों की, उनकी फोटोओं की एक एल्बम शिक्षा विभाग महाराष्ट्र ने निकाली है। फोटो उसमें कितने हैं? 300। मगर हम दिल्ली वाले अब बाबा साहब की एल्बम बढ़ा रहे हैं जो आप सबके सहयोग से प्रकाशित होगी, उसमें कितने फोटो होंगे? 300 के मुकाबले में 2000 फोटो होंगे, ऐसे ऐसे फोटो जिसे देख करके उन फोटोओं को आपको ये एहसास होगा, स्पष्ट एहसास होगा कि बाबा साहब हमारे आसपास कहीं मौजूद हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भारत, जय संविधान। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।